Assalamu alaikum, dear students. In our previous video, we studied arguments that were against democracy, or we can say disadvantages of democracy. Now, in today's video, we will be discussing some arguments that are in favor of democracy, or we can say some advantages of democracy. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स या एडवांटेजेस यानी कि फायदे क्या हैं डेमोक्रेसी के. सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, एक फेमाइन की एग्जांपल दैट स्टार्टेड इन 1961 एंड लास्टेड अप टू 1985. ये फेमाइन हुआ ड्यू टू क्रॉप फेलियर इन साउथ एशियन रीजन, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और भूटान आते हैं. इस फेमाइन से चाइना और इंडिया पे क्या असर पड़ा वो हम पढ़ेंगे. चाइना में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ड्यू टू दिस फेमाइन, लेकिन इंडिया में इसका ज्यादा असर नहीं होता है. इस फेमाइन का दोनों कंट्रीज पे एक जैसा असर क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इसकी वजह से वहां की जो इंडिया की जो पॉलिसीज थी, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उनकी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज की वजह से इन पे फेमाइन का इतना असर नहीं हुआ जितना कि चाइना पे हुआ, क्योंकि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी डोमिनेटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी एट दैट टाइम. वहां पे जो पॉलिसीज और प्लान्स थे वो उतने इफेक्टिव नहीं थे जितने इंडिया में जो पॉलिसीज और प्लान्स बनाए गए थे वो. इस वजह से इंडिया ने ओवरकम किया इस फेमाइन से, और चाइना जो है वो इस फेमाइन को टैकल नहीं कर पाया क्योंकि उनके प्लान्स और पॉलिसीज उतने ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थे. इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि डेमोक्रेसी ओवरकम कर सकती है मुश्किलों से, बुरे वक्त से. डेमोक्रेसी जो है इसी की वजह से इंडिया उस फेमाइन के असरात से उबर पाया. अब हम देखेंगे पहला एडवांटेज, या हम कह सकते हैं पहला आर्गुमेंट दैट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. पहला आर्गुमेंट या पहला एडवांटेज डेमोक्रेसी का है दैट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है. अगर कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ता है. इसके चलते डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करती रहती है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है. वहां पे एक रूलर जवाबदेह नहीं होता है, उसकी जो मर्जी होती है वो वैसा ही करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. तो ये तो था पहला आर्गुमेंट दैट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम देखेंगे सेकंड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है. सेकंड वन इज कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों की राय ली जाती है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट में एक बिल तभी पास होती है जब बहुत सारे लोग इस पे डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं, तब जाकर वो बिल पास होती है. इस कंसल्टेशन और डिस्कशन की वजह से क्वालिटी जो होती है डिसीजंस की वो इम्प्रूव हो जाती है. तो ये तो था सेकंड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, और कंसल्टेशन और डिस्कशन की वजह से क्वालिटी जो है डिसीजंस की वो इम्प्रूव होती है. नाउ थर्ड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये एक डाइवर्स कंट्री है. यहाँ पे मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है यहाँ पे. इस डाइवर्सिटी को सिर्फ डेमोक्रेसी में ही कायम रखा जा सकता है. यहाँ पे हर एक को इक्वल राइट्स दिए गए हैं,
चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, एवरीवन इज इक्वल इन डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज गिवन इक्वल राइट्स, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये था तीसरा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। Now, number fourth argument in favor of democracy is political equality and respect for rights. Democracy enhances the dignity of citizens. Democracy में हर एक को same rights, same हकूक दिए गए हैं, हर एक को same voting right दिया गया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक को सेम राइट्स दिए गए हैं, सेम वोटिंग राइट हर एक एडल्ट को दिए गए हैं, सबके लिए एक जैसा कानून है। तो डेमोक्रेसी का जो ये आर्गुमेंट है, जो कि इसके फेवर में है, दैट इज लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी है और लोगों के राइट्स जो है उनको रेस्पेक्ट किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। That is possible only in democracy. Now, another argument that is in favor of democracy, वो क्या है? That is, democracy is better form of government. It allows us to correct our mistakes. Democracy एक better government है, क्योंकि इसमें हमें मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का। For example, अगर हमें लगा कि जिस लीडर को हमने इलेक्ट किया है थ्रू वोटिंग वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहा है, तो अगले आने वाले इलेक्शंस में हम उसे वोट नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हमें डेमोक्रेसी में अपनी गलती को रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है, अपनी गलती को ठीक करने का मौका मिलता है। दैट इज पॉसिबल ओनली इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मौका सिर्फ डेमोक्रेसी में हमें मिल सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द आर्गुमेंट्स और यू कैन से एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टडी इन टुडेज वीडियो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।